हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं आप लोगों को लेसन 8 का जो है क्वेश्चन से बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में जो है मैंने जो है आप लोगों को लेसन 8 जिसका नाम मदर टेरेसा है, उसका जो है मैंने वन वर्ड का सेंटेंस मैंने था कि इसका जो है एक शब्द में जो है आपको उत्तर देना, उसका क्वेश्चन से बताया। इसके बाद से जो है मैंने जो है आप लोगों को टू फर्स्ट बताया। आज जो है मैं जो है आप लोगों को एंसर ऑफ द क्वेश्चन लेंगे और नेगेटिव क्वेश्चन का उत्तर बताने जा रहा हूँ। और इसके बाद से जो है ये बता, ये जो है आप लोग रीड टू एंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। व्हाई वाज मदर टेरेसा रिमेंबर्ड? मदर टेरेसा को जो है याद क्यों किया जाता था? मदर टेरेसा को जो है याद क्यों किया जाता था? तो मदर टेरेसा इज रिमेंबर्ड फॉर इट्स सर्विस। मदर टेरेसा को जो है उसके महान कार्यों के लिए उनको याद किया जाता है। टू माइंड उन्होंने जो है जो लोगों के लिए काम किया है इसके लिए उनको याद किया जाता है। जिस उन्होंने कर्मों में उन लोगों के लिए इनका वह उन्होंने जो है लोगों के लिए समर्पित कर दिया। सी लव एंड केयर फॉर टू पर्सन हु नोबडी लुक आफ्टर। वे जो है उन लोगों से बहुत प्यार करते थे जिनका जो है देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जो गरीब थे उनका कोई देखभाल करने वाला था, वो उनको उनकी देखभाल करते थे। इसी चीज में मदर टेरेसा को जो है याद किया जाता है। नेम द अवार्ड दैट हैव बीन मदर टेरेसा। नेम द अवार्ड दैट हैव बीन गिवन टू मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जो है कौन कौन सा जो है अवार्ड पुरस्कार दिया गया है? पोप जॉन 13 पीस प्राइज। पोप जॉन 13 पीस प्राइज उनको मिला हुआ था। मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ था। भारत रत्न मिला हुआ था। नोबेल पीस प्राइज भी उनको मिला हुआ था। 1979 में हुआ था। व्हाट वाज मदर टेरेसा मेड पीपल लाइक? मदर टेरेसा क्या लोगों को क्या महसूस कराए? मदर टेरेसा वाज मेड पीपल लाइक दैट इट इज नो हु सेड व्हाट। उन्होंने लोगों को एहसास दिलाया कि कौन क्या करता है इस पे आप ध्यान न दीजिए। पीपल शुड एक्सेप्ट अदर कमेंट। उनको जो है वो दूसरी जो कमेंट आते हैं यानी उसके जो लोग जो है वाणी बोलते हैं उसे क्या हुआ एक्सेप्ट करना चाहिए विद ए स्माइल एंड मूव दियर एंड डू दियर ऑन और अपना काम भी करते हैं। लोग जो है और क्या हुआ कमेंट करने वाले लोग कमेंट करते हैं उससे मतलब नहीं है। हमें जो है अपना काम जो है करते रहना चाहिए और कमेंट करने वाले अपना कमेंट करते रहना चाहिए। यानी उन्होंने ये सभी को संदेश दिया कि जो है आप जब अच्छे काम कीजिएगा उसके जो है बहुत सारे लोग जो है वे आपकी बुराइयां करेंगे, कई तरह की बातें करेंगे, लेकिन आप जो है अपना काम करते रहिए और चुपचाप जो कमेंट दीजिए जो उसकी बुराई कर रहे चुपचाप सुनते जाइए। ये नहीं है कि आप जो झगड़े में पड़ जाए उसी में उलझ जाए और अपना काम भी छोड़ दे। तो वे जो है इस चैप्टर के माध्यम से जो उन्होंने बताया हुआ है यह उनके जीवनी से हमें पता चलता है। उन्होंने लोगों को बताया है कि आप जो काम कर रहे हैं वो अपने काम पे ध्यान दीजिए और दूसरे क्या बोल रहे बस आप उसको सुनते जाइए, क्योंकि अच्छे काम करने में बहुत सारी कठिनाइयां आती है और बुरे काम करने में कठिनाइयां कम आती है। क्योंकि अच्छे काम कीजिएगा तो कोई भी जो है आप पे हावी हो जाएगा, बुरा काम कीजिएगा या किसी कोई आप क्रिमिनल है तो उसे देखिएगा सारे लोग डर के रहते हैं, कोई उन पर आवाज ही नहीं उठा पाता। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप जो है काम कर रहे हैं आप अपने कामों में लगे रहिए बल्कि किसी के पे जो है कोई कमेंट बोलते हैं उस पर आप ध्यान ना दीजिए।